जय हिंद प्यारे बच्चे। 10 मिनट की क्लास में आप सीखेंगे कंप्यूटर से जुड़े हुए फुल फॉर्म और कंप्यूटर से जुड़ी हुई खोजें। आज की क्लास से आपके 2 नंबर पक्के हैं। किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इसके साथ साथ आने वाला एसएससी जीडी या रेलवे का कोई एग्जाम हो, कंप्यूटर से 2 नंबर पूछे ही पूछे जाते हैं बच्चे। तो आज की क्लास को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अगर आपको वीडियो पसंद आए। आइए सीखते हैं बेटा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये बेटा बिहार पुलिस नई भर्ती 2024 का हमारा जो बैच चल रहा है, और गंगा जल बैच आपने अभी तक नहीं लिया तो जाइए इस बैच को आप तत्काल ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के बाद बेटा आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएगी। 899 का ये बैच है, और डिस्काउंट के बाद ये कितने का पड़ेगा, तो डिस्काउंट के बाद बेटा आपका ये पड़ जाएगा कितने का, तो आप कहोगे राम राम 40 कूपन कोड लगा देना और डिस्काउंट के बाद 40% आपको आप मिल जाएगा। आइए, नालंदा बैच है, 24 माह यानी 2 साल की वैलिडिटी है, 899 का है, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें भी वही कूपन कोड लगा देना साथी। क्या कूपन कोड लगाओगे, तो आप लगा देना राम 40 कूपन कोड लगा के इसको भी आप ले सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना। अगला है बिहार दरोगा भर्ती। बिहार दरोगा भर्ती जो नई भर्ती 2200 प्लस आने वाली है, उसके लिए साहब बैच 3.0 है और 24 महीने की वैलिडिटी है, 1499 का ये जो बैच है इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगा देना राम 40 कूपन कोड लगा देना बेटा, राम 40 कूपन कोड लगा के ले लेना। कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल कर लेना है भैया, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको बच्चे यहां पर मिल जाएगा जवाब। चलो भाई आइए, तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और आइए शानदार तरीके से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी भैया। देखो, हम लोग 10 मिनट के सेशन में आप सीखेंगे खोज एवं खोजकर्ता। इसका बच्चे आइए सभी लोग, लिखा हुआ है यांत्रिक कैलकुलेटर। जो यांत्रिक कैलकुलेटर है बेटा, इसके खोजकर्ता का नाम पूछा जाए तो आप कहोगे यांत्रिक कैलकुलेटर के खोजकर्ता हैं ब्लेज पास्कल। यांत्रिक कैलकुलेटर के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है, तो आप कहोगे ब्लेज पास्कल है बेटा। माउस के खोजकर्ता कौन है, माउस के बेटा याद कर लेना ये कौन है, तो आप कहोगे डगलस एजेलबर्ट। क्या नाम है, माउस के खोजकर्ता का नाम है डगलस एजेलबर्ट। मोबाइल फोन, आप लोग मोबाइल फोन चलाते हो, मोबाइल फोन में क्लासें लेते हो, तो मोबाइल फोन के खोजकर्ता का नाम क्या है, मार्टिन कूपर है बच्चे, मार्टिन कूपर। एटीएम का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और एटीएम के खोजकर्ता है जॉन राफेड बार्नेस, याद रखना। अगला एलसीडी के खोजकर्ता कौन है, जीन डालगोप। तो भैया आप बता सकते हो जीन डालगोप क्या है, एलसीडी के खोजकर्ता है। अगला है आईसी चिप के खोजकर्ता कौन है, तो आप कहोगे जे एस किल्बी बेटा आईसी चिप के क्या है, खोजकर्ता है। तो जब भी पूछा जाए आईसी चिप के खोजकर्ता का नाम क्या है, तो आप कह देना जे एस किल्बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले खोज की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के खोजकर्ता का क्या नाम है, तो आप कहोगे माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किया था बिल गेट्स ने बेटा माइक्रोसॉफ्ट की खोज किया। ये वही है बिल गेट्स जो डॉली चाय वाले के पास जाते हैं और एक ऐसा शख्स जाता है जो पूरा फेमस हो जाता है वर्ल्ड स्तर में। क्लियर, आइए डब्ल्यू डब्ल्यू का बेटा खोजकर्ता बहुत बार पेपर में आए, तो आप कहोगे टिम बर्न्स ली हैं बेटा। क्लियर है। अगला यूट्यूब, आप यूट्यूब से हमारी क्लासें देखते हो ना, तो यूट्यूब के खोजकर्ता कौन है, तो आप कहोगे जावेद करीम याद रखना। 3 लोगों ने मिलकर यूट्यूब की खोज किया था, जावेद करीम, चार्ड हार्ले और स्टीव चेन, तीनों लोगों को बेटा याद रखना, यूट्यूब का जनक कहा जाता है। अगला है फेसबुक के फाउंडर का नाम बताओ, तो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग याद रखना। अगला है व्हाट्सएप के खोजकर्ता का नाम क्या है, जेन कूम है, याद रखिएगा। अगला है गूगल के बेटा बहुत बार पेपर में आएगी, जो भी चीज आपको समझ नहीं आती है आप तुरंत गूगल करके आंसर निकाल लेते हो, तो ये गूगल बाबा की खोज किया था लैरी पेज और संगेई बिन ने। तो
बच्चे आप बता सकते हो, क्लियर है। आओ अगला, कीबोर्ड। कीबोर्ड बेटे आप सब लोग कीबोर्ड से मैटर टाइप करते हो, तो कीबोर्ड की बच्चे खोजकर्ता कौन है? तो लैथम सोलेज है, लैथम सोलेज। लैपटॉप, आप लोग लैपटॉप यूज करते हो, तो इसके खोजकर्ता है ऑसबोर्न। कौन है इनका? ऑसबोर्न, याद रखना, क्लियर है। आओ अब आते हैं यहां से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। इंपॉर्टेंट बेटा फार्मूले ना कह के आप इनको फुल फार्म कहो तो ज्यादा बेहतर है। कंप्यूटर से जुड़े हुए बेटा फुल फार्म में एएलयू पहला है। एएलयू का फुल फार्म क्या होता है? तो आप कहोगे अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। एएसपी, वो एएसपी नहीं है डीएसपी पुलिस विभाग वाला। एएसपी का फुल फार्म क्या होगा? ए से बनेगा एप्लीकेशन, एस से बनेगा सर्विस और एस से बनेगा प्रोवाइडर। तो भैया एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर याद रखना है, एसपी का फुल फॉर्म होता है। अगला है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका राइट आंसर याद रखना बच्चे एएससीआईआई। तो बेटा एसआई बोलते हैं इसको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर बच्चे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या बोलोगे भाई? तो ए से बना अमेरिकन, एस से बना स्टैंडर्ड, सी से बना बेटा कोड फॉर, आई से बना इंफॉर्मेशन और एक आई से क्या बन जाएगा? इंटरचेंज बन जाएगा। बीआईओएस, बीआईओएस का फुल फॉर्म क्या बनेगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बन जाएगा भाई? बी से बनेगा बेसिक, आई से बनेगा इनपुट, ओ से बनेगा आउटपुट, एस से बनेगा सिस्टम। बीपीएल, बीपीएल देखा होगा एक राशन कार्ड में भी बीपीएल लिखा होता है, बीपीएल एपीएल, लेकिन वो बीपीएल नहीं है। ये बीपीएल का मतलब है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। क्या नाम है? ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। इनको भैया अपनी कॉपी में नोट ही कर लेना, क्योंकि ऐसी क्लास आपको मैं दे रहा हूं ना जहां से हर पेपर में क्वेश्चन छपेंगे। जो कंप्यूटर के बाबू दो क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहां से मिल जाएंगे, वादा है साथी, ठीक है? वादा है तुमसे ये क्वेश्चन आएगा। बीएसएनएल, आप देखा होगा वर्तमान में जियो बहुत अपने रिचार्ज महंगा कर रहा है, तो लोगों को बीएसएनएल लालच दे रहा है, बीएसएनएल की प्राथमिकताएं बढ़ रही हैं। बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहोगे बी से बनेगा भारत, एस से बनेगा संचार, एन से बनेगा निगम, एल से बनेगा लिमिटेड। तो भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। सीसी का फुल फॉर्म बताओ, तो सीसी का बनेगा कार्बन कॉपी। क्या बनेगा बच्चे? कार्बन कॉपी हो जाएगा सीसी का फुल फॉर्म। सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? सीडी का हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क हो जाएगा, कंपैक्ट डिस्क याद कर लेना सीडी का फुल फॉर्म है। सीपीयू का बेटा क्या बनेगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेटा याद रखना सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है सीयू, सीयू का क्या बनेगा? कंट्रोल यूनिट बन जाएगा बेटा। क्या बनेगा? कंट्रोल यूनिट। अगला है डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों सही है, दोनों में कोई एक आपको याद कर लेना है, ठीक है? डीवीडी आप कहते ना डीवीडी प्लेयर हमारा खराब हो गया है। आओ अगला एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव बच्चे बोलते हैं। एचटीएमएल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत बार पेपर में आया है, एचटीएमएल का याद रखना है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या बनेगा भाई? एचटीएमएल का बनेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बच्चे एचटीएम का क्या बनेगा? तो बच्चे आप बता सकते हो आंसर बच्चे, क्लियर है। अगला है ईप्रॉम, ईप्रॉम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो ई से बनेगा इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम, क्लियर है? और ई प्रॉम से बच्चे इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामल रीड ओनली बन जाएगा। एफटीपी बहुत बार पेपर में आता है, एफटीपी का फुल फॉर्म मिटा तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बन जाएगा। आईएसओ कहते नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है, आईएसओ द्वारा प्रमाणित है, लिखा नहीं होता किताबों में, आईएसओ द्वारा प्रमाणित। आईएसओ का मतलब क्या है? आई से बनेगा इंटरनेशनल, ओ से बनेगा ऑर्गेनाइजेशन और फॉर स्टैंडर्ड, क्लियर है। अगला एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का लाइट मेटिंग डायोड और एलआईसी का लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट बेटा बन जाएगा। क्यूआर कहते नहीं, अपना क्यूआर भेज दो मैं पेमेंट कर दूं, क्यूआर का बनेगा क्यूक रिस्पॉन्स, क्यूक रिस्पॉन्स बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। नेफ्ट का बेटा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनएफएस नेटवर्क फाइल सिस्टम
आरटीजीएस, आप देखा होगा जब आपकी नौकरी लग जाती है तो आप आरटीजीएस फॉर्म होता है इनकम टैक्स को बेटा कुछ छूट दिलाने के लिए आरटीजीएस भरा जाता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? आर से बनेगा रियल, टी से बनेगा टाइम, जी से बनेगा ग्रास और एस से बनेगा स्टेटमेंट। तो भैया लिखा है रियल टाइम ग्रास स्टेटमेंट, आपकी जो इनकम है उसमें आपका स्टेटमेंट का पूरा लेखा जोखा होता है आरटीजीएस फॉर्म में। अगला है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है बच्चे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप कहोगे यूपीआई आईडी क्या है आपकी, कहते नहीं है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीएस, ठीक है। अन इंटर रिप्टिकल पावर सप्लाई पूछा जाता है यूआरएल, यूनिफाइड रिसोर्स आइडेंटिफायर। लिखा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, रैम और रोम दोनों पूछे गए हैं, तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, वीडियो है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आइए ये भी देख लेते हैं एक एक बेटा, फुल फॉर्म आपके लिए मैं सिलेक्ट करके लाता हूँ, मेहनत करता हूँ बच्चे आपके लिए। वीजीए, वीजीए कहते नहीं, कैमरे से जो कंप्यूटर तक केबल होती है वो वीजीए केबल होती है। वीजीए का मतलब है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वाईफाई बेटा, वायरलेस फिडेलिटी बताओगे, एच एच एक्स एम एल, तो एक्सटर्न बच्चे इसका क्या बनेगा, एक्सटेंशनल मार्कअप लैंग्वेज बेटा हो जाएगा। वाई टू के ईयर 2000 आंसर हो जाएगा। जीबी का क्या बन जाएगा, जेटा बाइट बन जाएगा बेटा। जेएनए का जोन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बन जाएगा। जा का क्या बनेगा, जा का जीरो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विंडो। अब आपको बताना है एक क्वेश्चन, आपको आज मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं कि कंप्यूटर के खोजकर्ता का नाम बताओ या कंप्यूटर के जनक कौन है बाबू, आपको बताना है कंप्यूटर के जनक, ठीक है, कंप्यूटर के जनक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। कंप्यूटर के जनक कौन है, आंसर बताना है इसका कमेंट बॉक्स में साथी, कि फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कौन है। और ये वीडियो आपका 10 से 12 मिनट का वीडियो, लोग बेटा 1 से 1.5 घंटे में आपको जो जानकारी देते हैं, मैं आपको 10 मिनट में कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियो के लिए आज ही हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आगामी आने वाली भर्ती के लिए आप सबको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।